बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 66 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 12 मार्च 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। आई एम काजी मोहम्मद नबील फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द पीएसएक्स बुल राइडर्स। आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्या परफॉर्मेंस रही। आज KSE 100 इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई 43,788 और तकरीबन 1,008 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज इजाफा हुआ इसमें। और परसेंटेज की वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज तकरीबन ये 2.36% जो है वो बनती है। ये हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो आज हाई बनाया तकरीबन 43,986 का, और ये टाइम जो शो हो रहा है मेरे पास तकरीबन सेकंड सेशन में 4:10 जब मार्केट ने अपना ये हाई बनाया। फिर थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और फिर मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 43,788। लो जो मार्केट ने शुरू में ही बनाया था दैट वाज 42,779 का। अगर आज के टॉप एक्टिव परफॉर्मर्स की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले यूनिटी फूड, फिर इसके बाद TRG, GSCL, PRL, टेली, MLS, मैपललीफ, GGL, WTL, हम नेटवर्क और PIBTL जो है वो शामिल है एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में। अगर टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, कुछ स्टॉक्स इसमें कुछ बड़े स्टॉक्स जो है वो मुझे नहीं नज़र आ रहे। ये अभी मेट्रो मुदारबा है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम है। ये कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं जिसमें जहांगीर सिद्दीकी है और इसके अलावा जो है BRR, गार्डियन, मुदारबा है। बाकी सारी तकरीबन पेनी स्टॉक्स हैं। आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, कोशिश करें जो भी आपका सवाल है उसको लिख ले पेज पर। सलाम, दुआ, खैर, खैरियत, तमीर शमीर ना बांधे, टू द पॉइंट क्वेश्चन करें ताकि अगले जो है ना हमारे मेम्बर्स का भी सबका तकरीबन नंबर आ सके। सबसे पहले जो है कोशिश करें हैंड रेस सारी कर ले ताकि जिस चीज़ का क्वेश्चन हो मेरे लिए क्वेश्चन लेना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। फिर जी तारिक साहब है एज यूजुअल, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। एक सवाल है मेरा, तो है ना ये क्या नाम है इसका, ये दीवान सीमेंट है सर, एक कैसा है इसके बारे में? किस रेट पर लिया हुआ आपने? सर मैंने लिया हुआ 10 पैंट का लिया हुआ सर। हाँ जी, अभी 10 रुपये 41 पैसे है। अगर मंडे को जो है ना ये आपके आपको प्रॉफिट दे देता है तो वक्ती तौर पर आप इसे प्रॉफिट लें और किसी अच्छे स्टॉक में डालें। दीवान से अच्छे अच्छे बहुत स्टॉक्स पड़े हुए हैं सीमेंट सेक्टर में ही, आप उनसे रिप्लेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ये। जी डॉक्टर साजिद साहब है UAE से, आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, आने वाले दिनों में आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? आज हमने देखा कि सीमेंट और स्टील ने थोड़ा सा उसमें बूम आया है, तो क्या मार्केट ने अपनी सही डायरेक्शन ले ली है? और दूसरा सवाल ये है कि हमने आपके कहने पे अभी तक तो हमने 25% बाइंग की हुई है, तो खतरा ये है कि कहीं मार्केट यहाँ से हमारे हाथ से निकल ना जाए, ऊपर की तरफ चली गई तो हम देखते रह जाएंगे। 25% तो फायदा होगा ना चलिए हुए। जी 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 बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आज मार्केट अच्छी रही है। जैसे आज सेनेट का जो है वो इलेक्शन भी था और हम पहले भी कहते होते हैं कि मार्केट को पहले ही पता होता है। आज ऐसा मार्केट शुरू से ऊपर थी तो एक इशारा हमें मिल ही चुका था कि जो रिजल्ट आने वाला है वो डेफिनेटली हुकूमत की फेवर में ही आने वाला है। ठीक है, तो वो हम बार बार ये बातें कर चुके हैं कि मार्केट को पहले पता होता है। बहरहाल अभी भी बहुत ही मोहतात आगे रहने की ज़रूरत है। आगे IMF के जो टैक्सीज की जो बातें चल रही हैं, इसके अलावा मॉनिटरी पॉलिसी में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी बातें हो रही हैं, तो बहरहाल फिलहाल थोड़ा सा मोहताज जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जो भी स्टॉक्स जो है जो ओवर सोल्ड हो चुके हैं आप लाजमी उनके अंदर एक्युमुलेशन करें, ये थोड़ी थोड़ी करके लाजमी वो स्टॉक्स लेते जाएँ। बहुत से स्टॉक्स हैं जैसे मैंने आपको पूरे नाम लेके बताया आज सुबह सुबह कि इन स्टॉक्स में एक्युमुलेशन बनती है तो लाजमी एक्युमुलेट करें। यही स्टॉक्स आप ऊपर जाएंगे, जो ऑलरेडी ओवर बॉट हो गए हैं उनको छोड़ दें, आप जो नीचे रह गए हैं उनके अंदर आप डाल दें। अगर वक्ती थोड़ी और नीचे भी आ जाते हैं तो आपकी कोई परेशानी ना लें क्योंकि ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं ये। जी इमरान हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। इदरीस भाई को भी सलाम सर। मेरा फ्लाइंग सीमेंट के वाले से सवाल है सर। मेरा 17 की बाय 17 रुपये की बाइंग है, और सेकेंडली उसका कोई राइट इशू का सुना था उसके बारे में गाइड कर दीजिएगा कि वो किस तरह मतलब वो क्या उसका कार होता है। और दूसरा क्वेश्चन है सर इंडस डाइंग का, उसका सर ये पूछना था कि अगर वो 900 रुपीज लेट्स फॉर एक्स होता है तो अगले दिन एक्स हो के मतलब उसका 200% बोनस है, तो अगले दिन वो कितना मतलब कितने पे एक्स हो के ओपन होगा, उसका कोई फार्मूला है तो वो भी बता दें ताकि आगे भी कैलकुलेट करने में हेल्प हो। जी इमरान भाई, जो इसके फ्लाइंग के जो राइट अगर आपके अकाउंट में आ गए हैं तो उसकी एक एक्स डेट उन्होंने आपको दी होगी, उस एक्स डेट से जो यानी उन्होंने टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है उससे पहले पहले आपको एक ब्रोकर से भी या ऑनलाइन भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करें उसको, तो वो राइट शेयर जो है रेगुलर शेयर की शक्ल में आपके अकाउंट में फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो आ जाएंगे। ये अगर 200% उन्होंने दिया हुआ है इसका मतलब है 20% बनेगा, तो आप उसका प्राइस का 20% निकाल के देखें कि वो कहाँ पर जो है फिर ओपन होगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन है, बहरहाल इसको देखना पड़ेगा। जी इदरीस भाई थोड़ी कैलकुलेशन कर लें इस पर कि इंडेक्स की जब 200% की कैलकुलेशन होगी तो कहाँ पर उसने खुलना है। और अभी इंडेक्स का रेट जो है मैं आपको बता देता हूँ, आज जो इंडेक्स मोटर की अगर आप बात करें तो बंद हुआ आज ये तकरीबन 1000 रुपये पर ये, तो अगर कल इसने एक्स होना है तो अगर 200% है तो इसने कहाँ पर ये ओपन होना ही है। जी अली एजाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी तो मैंने मतलब मैं तो 100% ही कैश में हूँ, आज देख नहीं सका थोड़ी डे ट्रेडिंग वगैरह की कॉल्स। तो यूनिटी का पूछना था कि आज उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हुए हैं, तो क्या इसमें एंट्री ली जा सकती है? वॉल्यूम लीडर में मतलब टॉप पे था आज। जी जी अली भाई, बस जब जो है ना लोगों का इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक ठीक रहता है। अब यूनिटी आपको इतने डिस्काउंट पर मिल रहा है 23, 24, 25, ये बहुत अच्छे रेट है, इसको लाजमी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एकमुलेशन बनती है यूनिटी की। ये तो बिल्कुल भी वेट ना करें, 25, 30, 35% लाजमी एकमुलेट करें स्टॉक्स को। ये जो ओवर हम बार बार कह रहे हैं ओवर सोल्ड हो चुके हैं ये। जी इरफान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। काजी साहब कुछ अरसे जब से मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है, मैंने देखा कि स्टॉक से ज्यादा सेक्टर बड़ी अहमियत रखता है, यानी कि एक सेक्टर उठता है तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो उठ जाते हैं। तो अब आइंदा आने वाले वक्त में मैंने भी देखा है कि जिस तरह ऑटोमोबाइल है तो उसमें 25% सेल का इंक्रीज हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कमिंग टाइम में आप कौन से सेक्टर जो हैं वो देख रहे हैं जो आगे बढ़ेंगे, जिस पे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए? जी जी इरफान भाई, आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है और खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर है। ये तो इन तीनों ने तो उठना ही उठना है और यही सेक्टर लेके जाएंगे मार्केट को 50,000 से ऊपर। जी अफाक हैदर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, पूछना यह था कि मैंने आज आपकी मतलब वो रिक्वेस्ट आई थी तो उसके ऊपर पहले तो हमने नहीं बाइंग की, तो बाद में जब दोबारा मैसेज आया तो फिर हमने बाइंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने यूनिटी लिया था, बाई किया था तकरीबन 2690 में, तो मतलब ठीक ही है कि मतलब अभी और एक्यूमुलेट करना चाहिए इससे नीचे अगर आए तो। जी एक ही सवाल है सर। जी 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 अफाक भाई, अगर तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो जो आपको मैं मंडे वाले दिन इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताऊं तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर थोड़ा आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो फिर इसको रखें, यहाँ पर ये बहुत अच्छा रेट है इसका रखने वाला। अगर आप 30, 32 तक वेट कर सकते हैं, आगे आने वाले महीने भी लग सकते हैं जाने में, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टॉक है। फिलहाल ये करें कि फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग करें, जहाँ पर भी 4-5% प्रॉफिट मिलता है। जब ये नीचे आ जाएगा फिर दोबारा आपको कहा जाएगा कि इसको ले लेंगे। जी फैसल महमूद है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स एंड यू। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि ठट्ठा सीमेंट और मैंने एसटीपीएल लिया हुआ 19 पे ना, तो इसका क्या किया जाए? ये है मेरा तो क्वेश्चन सर। ठट्ठा सीमेंट किस रेट पर लिया हुआ है आपने? 19 पे है दोनों मेरे ना, दोनों। जी फिलहाल तो वो नीचे है ठट्ठा सीमेंट, बेहतर यह है कि दोनों को होल्ड करके रखें, आगे फ्यूचर दोनों का अच्छा ही है। जहाँ पर आपने इतने दिनों से इसको रखा होगा तो अभी भी वेट करें, आगे आने वाले दिनों में ठट्ठा सीमेंट थोड़ा स्लो है लेकिन जब होगा तेज सीमेंट सेक्टर तो ये भी ठीक हो जाएगा। बहरहाल स्टॉक ये बेहतर है और एसटीपीएल भी बहुत अच्छा स्टॉक है। उस वक्त आपने स्टॉप लॉस इनको नहीं लगाया तो फिलहाल आप इनको वेट करें। ये जी हाफिज सलीम साहब, आपको अनम्यूट करो मैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे साहब, आपका मैसेज आया था ना वर्ल्ड कॉल के मतलब, तो मैं देख नहीं सका, तो बिल्कुल लास्ट टाइम पर मैंने देखा लेकिन वो मार्केट जो है ना क्लोज हो गई, तो मंडे वाले दिन हम उसको क्या देखते हैं? जी आविर साहब, ये जो है ना ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है, ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। अगर आप इसको रख के होल्ड कर सकते हैं कम से कम 2 साल तो फिर आप इसको ले, अगर जल्दी बेचना है तो फिर दूसरे वाले स्टॉक लें। ये जी अल्ताफ भैया बैंकॉक से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, सलाम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, आज क्या समझ रहे हैं, आज बड़े मगरमच्छ ने हम जैसी छोटी मच्छों को चारा वही नहीं डाला, ये हम 1000 पॉइंट ऊपर ले जाके मुझे तो उसी लग रहा है सर। और दूसरा ये कि मैंने पीआर में एलिजिबिलिटी नहीं जी, पीआरएल में जी कैसा अभी हम 21 से मेरा लिया 21 जी। हाँ जी अल्ताफ भाई, जी जी अभी तो वो मार्केट जो है ना जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो चले आज क्लियर हो गया ये, और जो है ये सेनेट का भी जो है ना वो चक्कर खत्म हो गया। आगे जो है ना मंडे को भी हम थोड़ी तेजी देखेंगे मार्केट के अंदर। बहरहाल बेहतर, हमने कहा है कि ओवरऑल हमारी मार्केट बेहतर है, वो वाले हालात नहीं होंगे इंशाल्लाह जो हमने पहले देखे 2017 में या इससे पहले हमने देखे। तो बहरहाल मार्केट रेंज बाउंड या डल सिचुएशन रहेगी लेकिन बुरे हालात नहीं होंगे इंशाल्लाह मार्केट पर। और बाकी पीआरएल बहुत अच्छा रेट है, पीआरएल 21-22 के करीब करीब अगर आपको मिलता है यकीन करें कि ये बहुत अच्छे रेट पर, अगर और भी पैसे हैं तो यहाँ पर इसको ठीक ठाक आप एकोमोडेट करें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी मोहसिन अब्बासी साहब है इस्लामाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। बस वो मेरा पीआरएल 2095 की बाइंग थी तो उसी के हवाले से वो था क्वेश्चन, तो अभी आपने जवाब दे दिया। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अमजद भाई ओमान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर वो एसटीएल के लिए आपसे पूछना था सर, वो स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट नहीं हुआ, थोड़ा पॉजिटिव हो गया आज, तो इसके बारे में क्या कहते हैं सर? हाँ जी जी अमजद भाई, एएसटीएल जो है अमरेली रखने वाला स्टॉक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो इस रेट पर इसको थोड़े लें, और 41 रुपये पर 40 रुपये पर ये बहुत अच्छे यानी अवर यानी एक सोल्ड पोजीशन बनाया हुआ है, और ये बहुत अच्छे रेट है। इस तरह के रेट बहुत शाजर नाजर आपको नजर आएंगे खासतौर पर अमरेली स्टील की। अगर वक्ती यहाँ से थोड़ा नीचे भी चला जाता है तो और लें, इसमें अंदर रिकमेंडेशन करें, ये रखने वाला और प्यार करने वाला स्टॉक है ये, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें और ना ही इसके स्टॉप लॉस के पीछे पड़े ये। जी नज़ीर साहब मैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक सवाल ये है कि गनी ऑटोमोबाइल का शेयर आप कैसे देखते हैं, और दूसरा कि खादिम अली शाह बुखारी जो है आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब आपने तो पहले कह दिया कि भाई मेरा तो किसी को ताल्लुक, लेकिन अगर एक मशवरा लेना चाहूँ तो आप इसको कैसा देखते हैं एज अ ब्रोकर, और अगर इसमें ट्रेड करना चाहें तो बस सर ये देखिए। इसमें यानी कि ब्रोकर का पूछ रहे हैं या स्टॉक है ये केएसबी वाला? सर खादिम अली शाह बुखारी ट्रस्ट ये ब्रोकर है जी, तो इसके बारे में मालूम लेना चाह रहा हूँ कि अगर सही है, अच्छा ब्रोकर है तो इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए। जी नज़ीर भाई जो पहले है ना गनी ऑटोमोबाइल जो स्टॉक है वो थोड़ा सा स्लो है बहुत, यानी आप टाइम लगेगा इसको ऊपर जाते हुए, इससे अच्छा कोई और अच्छा सा स्टॉक ले लें आप। काफ़ी स्टॉक काफ़ी अच्छे रेट पर मिल रहे हैं तो बेहतर यह है कि इसको आप किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर लें। बाकी उनका मुझे तजर्बा नहीं है कि वो कैसे हैं, क्योंकि जब तक अकाउंट ओपन ना किया हो, डील ना किया हो तो कुछ बता नहीं सकता कि ये कैसे ब्रोकर है ये। जी दानिश अहमद साहब मैं कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी भाई एक चीज़ पूछनी है, आज तो मैंने आपके स्किल्स के मुताबिक जो है ना एक्यूमुलेशन अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर ली है, ठीक है। सेकंड आपको गुल अहमद के बारे में पूछना, मेरी इसमें मैंने लिया था 43-44 पर, आज ऊपर तो किया, तो क्या मैं इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ गुल अहमद में आगे? और सेकंड ये कि मेरे कुछ एक शेयर थे जीएससीएल, वो फंस गया है तो उसको मैं सेल कर दूं या होल्ड कर लूं? किस रेट पर लिया हुआ है आपने जीएससीएल? मैंने जीएससीएल मैंने 24-25 पर लिया है जी। जो है ना अब जेएससीएल वो ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्ती वो नीचे आया हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में वो फिर ठीक हो जाएगा। ये इसीलिए तो बार बार हम कहते हैं स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस वो इसीलिए तो बार बार क्यों हम कहते हैं, तो ताकि आप उसी टाइम बेच देते 22 रुपये पर ही, तो इतना लॉस आपका नहीं होता। बहरहाल अब नीचे आ गया काफ़ी, फिलहाल वेट करें जब थोड़ी रैली चलेगी तो ये भी ठीक हो जाएगा ये। और बाकी गुल अहमद में मजीद ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो आप मजीद इसके अंदर ऐड करें, ये बहुत अच्छा रेट है गुल अहमद का यहाँ पर, और कम से कम टारगेट इसका है 65 के राउंड अबाउट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगा और जाना भी इसने ज़रूर है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है गुल अहमद का और बहुत डिस्काउंट रेट पर अब आ गया नीचे। अगर और नीचे आता है 40 रुपए से भी नीचे फिर तो समझे कि बहुत फेवरेट हो जाएगा यहाँ पर। जी मीर याकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काजी साहब, ठीक है? जी जी सर। अच्छा काजी साहब, मेरा दो क्वेश्चन है। पहले तो ये मुझे केमिकल सेक्टर में ये बताते हैं डॉल ज्यादा बेहतर है या इतिहाद केमिकल? दूसरी, स्टील सेक्टर में आगा लेना चाहिए अभी या अमरेली लेना चाहिए या इंटरनेशनल स्टील लेना चाहिए या आयशा स्टील लेना चाहिए? जी जी सर, इस तरह है ना कि एक मिनट में तो ये नहीं बताया जा सकता कि दोनों में से कौन बेहतर है, डॉल बेहतर है या इतिहाद बेहतर है, क्योंकि दोनों की फिर कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। ये दोनों के एसेट्स, दोनों के फंडामेंटल, दोनों के टेक्निकल्स, दोनों के सेंटीमेंट, ये सारी इसी तरह ये बाकी स्टॉक भी आपने बताए। बेहतर जो है इनमें आगाज जो है ना, इसके अलावा जो अमरेली ISL आपने पूछा, इनमें सबसे बेहतर मुझे लगता है इंटरनेशनल स्टील। वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसका फ्लोट ज़रा कम है और कंपनी भी ठीक है। अमरेली भी उससे बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन उसका फ्लोट बहुत ज़्यादा है और लोगों का इंटरेस्ट अमरेली के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उसका चलने में ज़रा बहुत रुकावटें होती हैं इसकी, ठीक है। और आगा तो अभी नया अभी आया मार्केट में, अभी तो ये चलेगा तो पता चलेगा क्या पोजिशन है इसकी। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया, मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई आज, अल्लाह का करम है। आगे भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बेहतरी होगी, जैसे कि आपकी बातों से लग तो रहा है कि अगला हफ्ता भी ठीक रहेगा। तो सर एक छोटे एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये गुल अहमद वो आपकी ने रिकमेंड किया था बट वो अपर लॉक लगा हुआ था, उसको मैंने कोशिश की वो टूटने की पर वो तो अपर लॉक तो नहीं टूटा, तो मैं मॉर्निंग में उसको ले सकता हूँ दोबारा? और सेकंडली सर अमरेली स्टील को अभी हम एक्यूमुलेट बल्कि मैं एवरेज करना चाह रहा हूँ, वो तो वो अभी मैं कर सकता हूँ या थोड़ा सा वेट कर लूँ? बस ये दो क्वेश्चन। जी असर भाई, अगर आपने वो गुल अहमद शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो जो आज का वो आज ही लेना था, कल की बात कल देखेंगे को दोबारा लेना बनता है या नहीं बनता ये। और बाकी अमरेली अगर आपने एवरेज करना है तो इस रेट पर एवरेज करें, 41 रुपए के करीब है ये और बहुत अच्छा रेट, अभी 39 तक भी आया था, वहाँ पर आपको लेना बनता था, वहाँ पर आप इसको एवरेज करते ले लेते कुछ स्टॉक और बहुत यानी अच्छे रेट पर था ये। तो बहरहाल एवरेज करें या यहाँ पर नई एंट्री ले अमरेली के अंदर, यहाँ पर एंट्री बनती है ये। जी रजा खान साहब सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब और सब दोस्तों को सलाम, का इदरीस साहब को स्पेशल सलाम। बस मैंने तो सलाम के लिए फोन किया और तो सब मैंने सुबह सवेरे उठ के पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया और माशाल्लाह आज आपने फिर कैप डाला है तो मार्केट लगता है एक हफ्ते तक फिर अच्छा जाएगा। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जिशान अली साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी साहब वालेकुम सलाम। सर मैंने दो क्वेश्चन है छोटे से। एक तो ये अपर कैप और लोअर कैप जो होता है इसकी लॉजिक थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी थी कि ये मतलब दिन में सेम डे में खुल जाता है या नेक्स्ट डे पे खुलता है, ये थोड़ा सा बता दें। और दूसरा मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ 5-6 किसी भी स्टॉक को चेक करने के लिए, तो उसमें अगर 3-4 महीने का मैं व्यू लेके चल रहा हूँ तो उसको डे के ऊपर देखना चाहिए या ओवर पे या मिनट्स में, ये थोड़ा सा बता दें। जी जी शान भाई, लोअर कैप अपर कैप जो भी लगता है वो बाज़ औक़ात टूट भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपर कैप लग गया तो वो अब कन्फर्म हो गया कि इसने खुलना नहीं है, तो जब भी अगर उसके सेलर आ जाएंगे तो अपर कैप खुल जाएगा। इसी तरह लोअर कैप के अगर बायर आना शुरू हो जाए तो वो भी यानी कि खुलना शुरू हो जाता है ये, तो ये कोई पैटर्न नहीं है ये। बाकी इंडिकेटर्स का आपने पूछा कि अगर आपने 3-4 महीने का देखना है तो कम अज़ कम आप उसमें एक दिन का लगाएँ सेट करके या 2 दिन का। अगर आपने थोड़ा आगे 6 महीने साल का व्यू देखना है तो कम से कम 1 वीक जो है ना उसको सिलेक्ट करें, और अगर आपने 2-3 साल का देखना है तो कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का जो व्यू उसको सेट करके फिर आप देख सकते हैं ये। जी तौहीद आलम साहब मैं कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा एक ये सवाल है डे ट्रेडिंग के बारे में, जैसे आपने आज रिकमेंड किए काफी सारे शेयर, तो वो फर्ज करें अगर हम आज नहीं ले सके और सुबह फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में अगर उन्हीं रेंज में बाय कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा ये बताइएगा कल जो आपका सेशन था उसमें मैंने आपकी बातों से ये अंदाजा लगाया था कि आगे जो इनकमिंग फ्यूचर है 2-3 महीने उसमें या तो बाइंग नहीं करनी चाहिए या बहुत मोहतात चलना चाहिए। आज के बाद आपकी क्या राय है इस बारे में, कुछ डिफरेंट देख रहे हैं आप या वैसे ही आप कहेंगे कि 3-4 महीने अभी हम आराम से बैठे हैं? बहुत शुक्रिया। जी जी तोहिद भाई, जो आज स्टॉक बताए शॉर्ट डे ट्रेडिंग वाले वो आज ही के लिए, आज शेयर सामने शिकार पर आया तो आज ही आपने शिकार करना है या कल तक उसका वेट करना है, कल की कल देखें, कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिर दोबारा उस रेट पर लेना नहीं है, कल प्रॉफिट लेके साइड पर होना है, फिर मार्केट का बिहेवियर देखेंगे क्या मार्केट क्या हो सकता है। सुबह मंडे को 12 बजे तक या पहले सेशन में मार्केट एकदम ऊपर हो, जैसे इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर आ गए थे, 12-1 बजे तक मार्केट ठीक थी और उसके बाद एकदम धर्म से मार्केट नीचे आ गई। तो हमने उसके हिसाब से चलना होता है, ये बस जो आज स्टॉक ले लिए परसों आप बेचना बनता है उनको, लाजमी प्रॉफिट टेकिंग बनती है उनकी। और बाकी जो है मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं मोहताज अभी बिल्कुल, मार्च अप्रैल मई जून ये चार महीने बहुत एहतियात से चल रहे हैं अभी भी, यानी कि वो नहीं हुआ कि जी मार्केट अब बिल्कुल ठीक होगी और अब वो 50 पर पहुंच जाएगी, तो अभी भी ऐसा नहीं है। जब तक आपके पीपीएल और जीडीसी को लॉक लगने नहीं शुरू होंगे उससे पहले पहले मोहतात, बस ये आप एक सिग्नल देख लें, जिस दिन पीपीएल को 2 लॉक लगे उस वक्त आप बेशक बेधड़क होकर बाइंग करना शुरू कर दें, जब तक पीपीएल को लॉक नहीं लगते बिल्कुल मोहतात आपने रवैया अख्तियार करना ही है। हाँ जी है ना, आबिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि एपीएल के बारे में बता दें थोड़ा, क्योंकि आपने कहा था कि आज मार्केट ऑब्जर्व करनी है, उसके बाद सेल अगर मतलब देख लेना, तो अब कितने पे ये आएगा तो मतलब खतरे की बात है। हाँ जी, किस रेट पर लिया हुआ आपने इसको? मैंने लिया हुआ 336 पे। हाँ जी, अभी तो ये 330 पर है ना, तो हो सकता है मंडे को ये 340 से ऊपर जो है वो स्टार्ट ले अपना, तो वहाँ पर आप एक दफ़ा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर इसके बाद जब भी ये तकरीबन 380 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप पूछें वहाँ पर, फिर इसकी दोबारा बाइंग बनेगी, उससे पहले इसकी बाइंग नहीं बनती। फिर और नीचे आने का पूछ रही है, तो जब ये तकरीबन 314 से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर थोड़ा सा खतरा बनता है यहाँ पर इसका। ठीक है, पैरल फिलहाल ये 330 पर है और यहाँ पर जो है ना आपका ये एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग लेना बनता है। अगर मंडे को मार्केट अच्छी होती है तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करने का एक दफा। जी सलमान जैदी साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सलमान जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, वालेकुम सलाम। सर जी एटीआरएल मैंने लिया हुआ 218 पे। जी सर, तो इसका क्या किया जाए? सर कोई स्टॉप लॉस कुछ ब्रेक नहीं लगाई आपने उसकी? नहीं सर, नया हूँ मार्केट में, कोई ब्रेक नहीं थी, बस वो नीचे जाता रहा। चले अभी आ गया 190 पर। बहरहाल स्टॉक ये बहुत अच्छा है, अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई इसी तरह मार्केट पॉजिटिव रही तो ये ठीक हो जाएगा। वैसे ये अपनी तकरीबन पूरी जो अवर बॉर्ड पोजिशन पर पहुंच चुका था और 238 से, यानी आपको एक दफा इसने प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी नहीं दिया इसने। नहीं सर जी, मैंने बस ये शेयर लेके रख दिया था, उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गई। जी मौका आया था, मैंने निकाला नहीं इसमें से। क्योंकि ये 238 से रिवर्स इसने लगा आया है ना, तो अभी ये रुकेगा आगे तकरीबन जो है ना 170 पे पर। ये तो 170 पे से नीचे जब क्लोजिंग नहीं देता उससे पहले तो खतरे की बात नहीं है। जब ये 170 पे से नीचे क्लोजिंग देगा फिर थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा इसके अंदर से। ठीक है, बस उसका आपने वेट करना है। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा कि मार्केट रिबाउंड हो गई, अदरवाइज ये 200 डीएमए के ऊपर तो बहुत बाजा बजा था। और मुल्क में अभी माशाल्लाह पॉलिटिकल जो है ना स्ट्रेंथ जो है वो आ गई है, और सबको मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो है, लेकिन कोविड की थोड़ी पोजीशन है, कोविड जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। डॉक्टर जो है अपने वजीर जो है उनकी मैंने सुना है जो, तो थोड़ा सा ये एक हो सकता है, अदरवाइज मेरा ख्याल मार्केट जो है वो रिबाउंड हो गई। एक मेरी रिक्वेस्ट है काजी साहब, वो ये है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं आप अगर एक रेंज बाउंड हमें बता दें कि अगर किसी की 1 मिलियन है या 4 मिलियन है तो एक थंब ऑफ रूल दे दें कि मैक्सिमम इतने का शेयर हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये फेल्ट किया है कि छोटे इन्वेस्टर अगर बड़े प्राइस की शेयर को लें तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो काइंडली अगर आप ये कहते हैं जी इतनी सरमाया है आप इतने तक का शेयर ले सकते हैं और इतने शेयर ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए गाइडेंस हो जाएगी। और एक चीज और छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि मैं जो है इंशाल्लाह मंडे वाले दिन या इस दौरान अगर मैं एक रिपोर्ट दूंगा तो उसमें आपकी जो है ना प्राइस कंपेरिजन बिफोर दिस रैली जो है वो मैं दे दूंगा, तो पता चल जाएगा कितनी प्राइसेस रिकवर होगी। तो मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो वो रिपोर्ट सबके लिए होगी, मेरी तरफ से गिफ्ट होगी। जी मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप बड़ा रिसर्च वर्क करते हैं और कंपैरिजन के डाटा भी भेजते रहते हैं। बहरहाल जो है वो अगर आपने मेरी एक यूट्यूब की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो और कितने स्टॉक आप उसके अंदर बाय करें, तकरीबन सबको ही पता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट में कितने स्टॉक लेने बनते हैं ये। और वो जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं बल्कि जो पुराने मेंबर्स हैं उनको मैंने जो नई जो लिस्ट आपके साथ शेयर किया है 48 स्टॉक्स वाली, और इसके साथ एक यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया हुआ है, उसको देखे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कितनी इन्वेस्टमेंट वाले कितने स्टॉक्स रख सकते हैं ये। जी मोहम्मद जिया साहब है लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मैंने FFL लिया था फरवरी के स्टार्ट में कोई 18.55 पे, तो आप आज मैंने देखा आज वो ऊपर जा रहा, तो अब उसमें मजीद मैं एवरेज कर लूं, एक्युमुलेट करूं, या अभी टाइम नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी यहाँ भाई अभी तो ये तकरीबन 14 रुपए के करीब करीब है ना, तो यहाँ पर ये समझे अपने बाइंग जोन में, यह 14 रुपए से लेकर 16 रुपए के दरमियान। तो यहाँ पर अगर आप मजीद लेना चाहते हैं तो इसको मजीद आप ले लें, यहाँ पर एवरेज ना करें, एवरेज नहीं बनता, वैसे आप बाय इसको करें, जब ये 14 रुपये वाला 16-17 पर जाएगा तो आप इसके जब प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा जब नीचे आता है तो फिर ले लें, जब 20-22 पर जाएगा तो वो जो 18 वाला लिया हुआ है वो फिर उसकी वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी ये। बहरहाल ये भी रखने वाला स्टॉक है, ये बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर मौजूद है ये। जी अमजद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये कहना था कि जो बंदे पहले से फंसे हुए हैं उनको भी कोई मशवरा दे दिया करें। मैंने एक सेशन अटेंड किया था आपका जब सनाउल्ला भरवत साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा जी मैं फंस गया हूँ स्कोर के अंदर 22 के करीब लिया था और उस वक्त वो 10 पॉइंट कुछ पे था, तो उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया। मैंने रखे हुए 1 लाख शेयर, अब तकरीबन 1-1.5 लाख फिर कम हो गया उसमें से, तो काइंडली मुझे कुछ सजेस्ट कर दें इसमें से निकल जाऊं, क्या करूं, ये काइंडली बता दिया करें। अगर कोई बंदा पूछता है आपसे तो वो अच्छे तरीके से उसको गाइड कर दिया करें, ताकि जो नए बंदे हैं कम से कम वो हर्ट ना हो, इससे मुतनफर ना हो जाए स्टॉक मार्केट से। सर मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको, इसका कोई मसला नहीं। अभी कुछ दिन पहले इसी सेशन में मुझसे पूछा था किसी ने कि मैंने 2 स्टील लिया हुआ है 14 रुपये का, तो आप मुझे क्या मशवरा देते हैं। तो उस टाइम 2 स्टील था तकरीबन 5 रुपए के दरमियान, तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप इसको यहाँ पर बेचें, इसकी जगह कोई अच्छा स्टॉक रिप्लेस करें। मेरी इतनी बात ही, और मेरा ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है, आप इसी सेशन में कहीं देखें वो मौजूद होगा। तो वो इतने हाइपर हो गए, जी आपने ये कैसे बात कर दी, मैंने 14 का लिया हुआ है, वो अब ठीक हो रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो फिर मैंने कहा फिर आपने मशवरा ही क्यों मांगा ये। तो यही मशवरा आपके लिए भी यही है कि इसको बेचें, इसकी जगह किसी अच्छे स्टॉक में डालें, लेकिन ये ना हो कि फिर कल को स्कोर थोड़ा चढ़ना शुरू हो जाए तो आप फिर मुझे ही गालियाँ दें कि आपने तो कहा था कि मुझे बेचने के लिए, और मैंने जब इसको रिप्लेस किया तो ये थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया। तो ऐसे भी बहुत से मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, जब ये 18 रुपये का स्कोर था उस वक्त भी हमने इनसे कहा था कि इसको बेचें और इसकी जगह कोई अच्छा स्टॉक डालें, तो वो मुझसे नाराज़ हो गए कि जी आपने ये कैसे कहा जी इसको हम बेचें, हमने तो 100 रुपये का लिया हुआ है, इसको हमारा तो बड़ा लॉस है। तो वही स्कोर जब 10 रुपये पर आया तो वही मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आपने उस वक्त बहुत अच्छी बात की थी, अगर हमने आपकी बात सुन ली होती उस वक्त तो कम से कम इतना ज़्यादा और नुकसान ना होता। तो यही है कि स्कॉल फिलहाल जब तक कंपनी लॉस में है तो आगे फ्यूचर इसका कोई नज़र नहीं आता। तो इससे अच्छे अच्छे इतने स्टॉक मौजूद हैं, तो क्यों इसको देख देख कर अपना खून भी आप जलाते होंगे, इतना जो है लॉस आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो इतने अच्छे स्टॉक, वैल्यूएबल स्टॉक्स जो है, जो इतनी तकरीरें कर करके आपको बताई जाती हैं कि ये वाले ले लें, ये बहुत अच्छे रेट पर मौजूद हैं। सुबह भी ऑडियो मैसेज में भी आपको मैंने नाम ले ले के बताए कि इन स्टॉक के अंदर एक्युमुलेशन करें, तो इस कचरे स्टॉक्स को निकालें और अच्छे स्टॉक्स लें जिनका फ्यूचर भी अच्छा है, जिन्होंने जाना भी जल्दी ऊपर है। इसकी गेम खत्म होगी एस्कोल की, फिलहाल दूर दूर तक फिलहाल इसके कोई आसार हमें नज़र नहीं आते। जब नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसके अंदर बाइंग करें। जब भी ये तकरीबन 20 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे तो बेशक सब कुछ बेच कर दोबारा इसको ले लें, उससे पहले इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती। आगे और किसी मेम्बर के पास भी मौजूद है तो मेरा मशवरा ये सिर्फ मेरी सजेशन है, मर्जी आपकी अपनी है, लेकिन कल को हम बार डिस्क्लेमर भी चलाते हैं, नफ़ा नुकसान की हम कोई जिम्मेदारी नहीं देते जी। तो कोशिश करें, और स्टॉप लॉस पर भी हम बार तकरीरें करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क पहले मैनेज करें, फिर बाकी जो है वो काम करें। जब रिस्क ही नहीं, मैंने 22 रुपये में से जब 18 रुपये तक आया था तो आपको निकलना चाहिए था उस वक्त भी, तो उस वक्त से आप बैठे हुए, आप 10 रुपये पर आ गया। इसने आगे आने वाले दिनों में ये 4 रुपये पर भी आएगा। ये जब इसके राइट को वो जो इसने ऐलान किए हुए, जब वो राइट आएंगे तो आप देखिएगा 4, 5, 6 मुझे ये नज़र आ रहा है। फ्यूचर तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो यही है। तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? फिर ये तो बेहतर है कि अभी से जान छुड़ाएं और किसी अच्छे स्टॉक में डालें। ये जो लॉस हुआ तो इंशाल्लाह वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपका लॉस कवर हो जाएगा। वो लाखों का लॉस तो एकदम कवर नहीं होता, उसको टाइम लगेगा। तो बहरहाल कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हो जाएगा। ये जी एनएस साकिब साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा मुझे हाँ जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। हाँ जी एनएस भाई, आपकी आवाज़ कि रात में आपने थोड़ा सा जज्बे ने उसके हाँ जी, दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जरा आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, दोबारा करें जरा। आवाज आ रही है सर? जी 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 सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रात में आपका एक मैसेज आया था जिसमें आपने कहा था सब कुछ अपना बेच के अभी उसको होल्ड करें कैश को, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो कल रात में क्या ये पूछना चाह रहा था? जी जी अनस भाई, हमारे वज़ीर आज़म जी जी आ रही आवाज जी जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी तो बार बार यू टर्न लेते हैं, तो हमने भी यू टर्न ले लिया। तो इसमें कोई जो है ना वो बुरी बात नहीं है। तो जब मैंने रात को जब इंटरनेशनल मार्केट्स को देखा तो वहाँ पर मुझे सारी ग्रीन सिग्नल्स नज़र आना शुरू हुए। तो फिर फौरी तौर पर मैंने यानी कि अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट पर पड़े। डेफिनेटली ये एक मुश्किल डिसीजन है कि आपको मैं कहूँ कि जी आपके सारे लॉस वाले स्टॉक भी आप बेच दें, क्योंकि हमारे माशाल्लाह के काफ़ी ऐसे मेंबर मौजूद हैं अभी, जैसे वो एस्कोल वाले कैसे कई मेंबर हमारे हैं जो दिल के साथ लगा के जो है वो बैठे हुए हैं, स्टॉक्स को बड़े बड़े महंगे पर लिए हुए हैं। उनको ये कहना कि आप उनको आप बेच दें, तो वो आप ऐसा काम है कि उनका दिल निकालने वाली बात है जब वो उनसे ये कहा जाता है। ये जो बातें मुझे सुननी पड़ती हैं वो बाद में जब मुझे उनके मैसेज आते हैं या कॉल आती हैं, तो वो आप सोच नहीं सकते कि वो कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं इस बात पर। ये तो बहरहाल ये एक मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे थे। बहरहाल दोबारा मैसेज आ गया मेरा आपको कि फ़िलहाल आप होल्ड रखें क्योंकि नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह वो इसका आज रिएक्शन भी बहुत अच्छा है, और मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि बहुत से लोगों ने कम्प्लीमेंट्स दिए कि आपने वो जो रात को मैसेज किया उसमें हम लोग बेचने पर बिल्कुल आप ना भी कहते तो हमने स्टॉक बेचने ही बेचने थे। इवन कि वो मीरपुर से हमारे शबीर भाई, उन्होंने भी स्पेशली थैंक यू का मैसेज किया, और भी बहुत से मेम्बर ने थैंक यू का मैसेज किया कि हम तो बिल्कुल जहन बना के बैठे थे कि आप ना भी कहते हम सुबह बेचते, क्योंकि इतनी मार्केट नीचे आ रही है और हमें लाखों का लॉस हो रहा है। तो बहरहाल आपके मैसेज से हम रुक गए और आज हमारे बहुत सा लॉस है वो कवर हो गया। बहरहाल आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी शराज अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी शराज अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब बहुत आपकी मैंने जो है बातें सुन रहा था कि कल भी थोड़े से आप डिप्रेशन हो गई थी आपको बात करते में। दरअसल मार्केट इतनी जो है जब नीचे की तरफ जाती है तो इंसान जो है उसमें डिसीजन करना ज़रा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा से एक बात कहता हूँ जो आप अपनी वीडियोस में भी कहते रहते हैं कि हमें सीखने और सिखाने की तरफ आना चाहिए। और मार्केट फंडामेंटल के हवाले से मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक अपनी वीडियो बना दें ताकि हम वो भी सीख जाएँ, क्योंकि आपके ग्रुप में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं कितनी चीज़ें मैंने बगैर आपके पास आए सीख ली थी। बाकी मैं और चाहता हूँ कि जब मैं आपके साथ शामिल हो गया हूँ तो मैं और चीजें सीखूं और फिर मैं मार्केट के अंदर जो है काम करूं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई जी। फंडामेंटल पर वीडियोस बन रही है, मेरी प्लेलिस्ट आपने देखी होगी फंडामेंटल्स पर ही। तो मजीद इंशाल्लाह आगे 2 हफ्ते की हमें छुट्टियां हो रही हैं तो इंशाल्लाह वीडियो ही वीडियो आएंगी सारी। हाँ जी आमिर महमूद साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा बेवकूफाना सा सवाल है, बहुत दिनों से दिमाग में था। अब नए नए इस फील्ड में आए हैं तो नए नए आइडिया आते रहते हैं। अब जैसे आपने 48 जो है बड़ा स्टडी करके आपने वो लिस्ट दी है, सपोज अगर कोई सारे के तमाम 48 थोड़े थोड़े उठा ले, जैसे 500 का लॉट इस तरह से, क्योंकि मैंने देखा कभी कौन सा शेयर भागा जा रहा है कभी कौन सा भागा जा रहा है, तो इस तरह ये होगा जौन सा भी भागेगा 7% या कुछ हम उसको निकाल देंगे। तो आप क्या कहते हैं? जी जी सर, आप सबके सारे स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कुछ ही स्टॉक्स लें जिसको आप जो है वो देख भी सकें। इतने ज़्यादा स्टॉक्स लेंगे तो मैनेज करना और कंसंट्रेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये अगर आपने अभी अपनी करंट जिंदगी में 48 दोस्त रखे हुए हैं जिनके साथ आप गपशप लगाते हैं तो आप बेशक 48 स्टॉक ले लें, लेकिन अगर आपके दोस्त 4-5 हैं खास तो आप 4-5 ही स्टॉक रखें ये और उन्हीं को अपना दोस्त बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। जी रियाज साहब मैं पेशावर से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज खान साहब पेशावर से, सर अनम्यूट करें आप। जी मूसा आलमगीर हेलो जी जी हेलो आ रही है जी हाँ जी जी अस्सलामुअलैकुम। अच्छा पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ और तमाम हाजरीन को भी मेरा सलाम और अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ मार्केट बेहतर हुई है। मेरा जी आपसे सवाल ये है और ये शायद सबके, मैंने चूंकि अभी ये ज्वाइन किया है तो शायद हो सकता है ये बात आपने की भी हो। तो अब जी हमें ये है कि एक रैली नजर आ, उम्मीद है कि अगले हफ्ते में एक रैली नजर आ रही है, एक रैली होगी। तो अगर मेहरबानी करके आप हमें ऐसे स्टॉक्स बता दें कि चूंकि अब ये तो वो इन्वेस्टिंग वाली, अभी हमने इस रैली को कैश करना है कि ऐसे स्टॉक हों कि जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। मेहरबानी जी। जी जी माशाल्लाह रियाज भाई आपने बड़े अच्छे अंदाज से जो है क्वेश्चन पूछा। सर जो स्टॉक्स आपको बताए हुए इंशाल्लाह वो पहले वही चलेंगे, ये सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बताए हैं जो भी मेरी लिस्ट में शामिल है, जो भी एवरेज से नीचे नीचे मौजूद है आप उनको जो है वो बाय करें। बहरहाल रैली अभी नहीं शुरू हुई, रैली अभी बाद में आनी है, अभी ये सिर्फ ट्रेलर था तो फिलहाल मोहताज रवैया इख्तियार करें। ये ऐसा ना है कि बिल्कुल आप कहें कि जी अगला पूरा हफ्ता मार्केट बहुत ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझें इसको। सिर्फ ये एक छोटा सा जो है उन्होंने आपको ट्रेलर दिखाया और इसमें ट्रैप होने की कोशिश ना करें, थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करें बस। जी मूसा आलमगीर साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको थैंक यू सर, जो भी कल लॉस हुआ था वो कवर अप हो गया था जैसे आपकी कॉल्स आई थी आज, और सर थैंक यू। और सर मैंने पूछना था कि मैं यूं कर सकता हूं कि मैं 50% की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो इस तरह आप बात करते हैं वो करूं, और किस में करूं, और 50% डे ट्रेडिंग जिस तरह आप गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। थैंक यू सर। जी मूसा भाई बिल्कुल कर सकते हैं आप, और किस में करूँ जब इतनी लंबी लिस्ट दे दिया तो फिर किस में वाला तो सवाल कोई बेतुका सा सवाल है, वो जो लिस्ट है उसी में से और तो कोई आसमान से तो नहीं आने स्टॉक, वही वाले बाजून में से कोई सभी एक दो स्टॉक पिक कर लें आप। जी जिशान भाई यहाँ लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, अजीज साहब। वालेकुम सलाम। आवाज जरा कम है आपकी, थोड़ा ऊंचा बोले। अब आ रही है आवाज काजी साहब? हाँ जी सर आप बोले। अच्छा काजी साहब बस आपकी लिस्ट के मुताबिक मैंने अमरेली और यूनिटी में बाइंग की है। सेंचुरी पेपर्स के बारे में पूछा था, कुछ पहले अदरीस साहब ने इसको काफी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, तो फ्रेंकली इसकी बाइंग बनती है इस रेट पे या अभी इसको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? किसका सर पूछ रहे हैं, वेट करना चाहिए? सेंचुरी पेपर एंड हाँ जी सेंचुरी पेपर सर बहुत अच्छा स्टॉक है और ये बिल्कुल नीचे आया हुआ है 94 रुपए पर, अगर इसे भी थोड़ा और नीचे आता है तो इसके अंदर मजीद एकोमोलेशन करें 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसमें मजीद ऐड करना जो है वो बनता है ये, और ये आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। जी अफान भाई हैं, आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जरा कैमरा ऑन कर। सब भाइयों को सलाम, अजीज साहब आपके लिए और सब लोगों के लिए बेतहाशा दुआएं, अल्लाह मियाँ आसानियाँ रखे और यकीनन हमारे मुताबिक हो रहा है। बस एक वर्ड मैंने यूज किया था लास्ट मंथ, वो मैं दोबारा इस पॉइंट पे यूज करना चाह रहा हूँ, मुबालगा। किसी मुबालगे में नहीं आना आज, और यकीनन 19 मार्च और 22 मार्च के बाद हम बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे कि हम डिसीजन मेकिंग करते हुए कॉन्फिडेंट होंगे। अगले वीक में मैं अपना बता देता हूँ कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अदरीस साहब का, जो सब बाकी किसी को हेल्प भी कर दे। ISL और बर्जर ये प्रायोरिटी पे मैं उठा रहा हूँ, और सर एक मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कैलकुलेशन की है वो छोटी सी ये कि जो हमने पहले ट्रेंड देखा था जिसके अंदर लॉक लगे थे, लॉक अभी फिर वही वाले उठाए जा रहे हैं, दोबारा चूज एंड पिक हो रहा है। सर आप मुझे बताइएगा क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? जी जी अफान भाई आपकी थोड़ी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। बहरहाल इंटरनेशनल स्टील और बर्जर दोनों बहुत अच्छे हैं, और बाकी जो जिनके अंदर से आवाज़ निकल गया मेरा नहीं ख्याल कि अभी फ़िलहाल उनके अंदर मजीद एकोमोडेशन होगी। आप सेक्टर चेंज होंगे, हैंड चेंज हो जाएंगे और स्टॉक भी चेंज हो जाएंगे ये। तो वो जो पैसा उधर से निकला वो आप किसी और में जाएगा, तो वो आप कहाँ पर जाएगा वो अब आने वाले दिनों में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आज तो चले थोड़ा मार्केट को अच्छा एक झटका लगा जिसकी वजह से हमने तेज़ी देखी सारी स्टॉक्स में, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी बुलिश जो है वो ट्रेंड ख़त्म कर चुके हैं उनमें से अब पैसा निकलेगा और दूसरे साइड पर पैसा आएगा। ये तो वो बस हमने आइडेंटिफाई करना है कि किन किन स्टॉक्स में आप किन की बारी रह गई है चलने की। ये चलाने वाले वही है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, वही दो चार पाँच बंदे बड़े बड़े जो पीछे हैं तो वही हैं बस, और क्या है ये। जी असद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने आपकी कॉल से मैसेज से पहले यूनिटी बाय कर लिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी जनरेट हुआ था और परसेंटेज बाइंग की तरफ ज़्यादा थी, बाइंग प्रेशर लग रहा था, तो इसमें चले मुझे फ़ायदा हो गया। और अभी एक भाई ने कहा कि ये ज़्यादा फास्टली कौन सा, तो जो मैंने आपकी लिस्ट में से देखा है वो PRL यूनिटी ये मुझे ज़्यादा फास्ट लगे हैं, कैपको और SNGP से भी ज़्यादा यूनिटी ने परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में ये यूनिटी ज़्यादा बेहतर है, मुझे तो यही लगा और मैंने इसमें बाइंग भी कर ली है। जी जी और जी असद भाई दोबारा करें आपका और कौन सा सवाल है ज़रा आप अनम्यूट। जी और दूसरा सर WTL को मैंने 1. एवरेज मेरी 1.57 पे मैंने इसको बाय किया हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें अभी एवरेज इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मैं करना चाहूँगा उसमें ऐड। अभी मेरा ख्याल इतनी तेज़ी से तो वो आगे नहीं जाएगा। जी 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 असद भाई बिल्कुल इसी तरह WTL ज़रा रखने वाला स्टॉक है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है ये। और बाकी जो है आपने जो यूनिटी सारी तकरीबन स्टॉक अच्छे हैं लिस्ट में, मैं किसी को नहीं कहता कि ये ख़राब है, सारी अच्छी है। किसी का भी मुकद्दर नसीब है आपका, जिस स्टॉक में आप डालेंगे हो सकता है वही तेज़ चलना शुरू हो जाए, आपके नसीब से भी स्टॉक चलते हैं। जी रिजवान खान साहब है दुबई से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, नबील भाई आपको, इदरीस भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। सर सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी जो जिस तरह हमें सिर्फ जिस आपका भी नेक्स्ट वीक में आप फ्री हैं तो एक दिन आप हमें ऐसा सेशन रख दें जिसके अंदर आप हमें इंडिकेटर्स के बारे में कंप्लीट गाइड कर दें कि कैसे हमें इंडिकेटर यूज करना है, उसका टॉप एवरेज मूविंग जो 3-4 है, क्योंकि आपकी वीडियोज हैं लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो आपके सेशन के अंदर हम आपसे पूछ लें क्योंकि वो ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर हम उसी के अंदर खुद भी चेक कर सकते हैं कि जिस शेयर के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था हम उसको बाय और सेल कॉल की तरफ चले जाएं। सेकंड ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सेकंड सर जो आपका कल सेकंड मैसेज आया तो उससे मुझे काफ़ी सुकून मिल गया था क्योंकि फर्स्ट के बाद थोड़ा सा हेजिटेट हुआ था, लेकिन सेकंड मैसेज आपने किया तो उसके बाद फिर सुकून से हमने कहा चीज़ें इंशाल्लाह। लेकिन फिर वही हुआ जो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लॉस था 5 लाख तक, लेकिन आज काफ़ी रिकवर हुआ है, तो उम्मीद है कि आगे भी सर मार्केट अच्छी पॉजिटिव रही है। जी जी रिजवान भाई चले बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइव सेशन में जो है चले इंडिकेटर का कोई सेशन बना लेते हैं, उसमें लाइव की वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में यानी कि बड़ा यानी कि पहले मटेरियल इकट्ठा करना, फिर उसके रिकॉर्डिंग और फिर बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, और लाइव में इसको कैसे कवर करना है वो फिर मुझे सीखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब होता है। बहरहाल वीडियो देखा करें, कोई अगर क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कि अगर ये चीज़ कोई समझना है। मेरी तो कोशिश ऐसी होती है कि वीडियो ऐसी बनाई जाए और ऐसे आराम से समझाया जाए कि सारी चीज़ें वाजह क्लियर हो जाएंगी। तकरीबन माशाल्लाह हमारे सवाल काफ़ी ख़त्म हो गए। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आज जल्दी आ गई हमारी बारी। वालेकुम सलाम सर, आज तो सारे खुश होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई है, लेकिन यह है कि इन्हें देखभाल के काम करना है, आगे जाके मार्केट क्या बिहेव करेगी। 10:30 पर भी बेहतर लग रही है। अगर कल का सेशन आप लोगों ने गौर से देखा हो तो मैंने आज कहा था कि जो आखिर में 200 पॉइंट बाउंस बैक हुए हैं, मुझे लगता है कि मार्केट इसमें स्टे करेगी और ये आगे की तरफ जाएगी। शुक्र का तोबा करता हो कि मैंने कोई बड़ा बोल नहीं बोला था, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। इसी तरह जो होता है कि प्रेडिक्शन जो होती है ना कोई, ये सहीफा आसमानी नहीं होती, ये असल में हालात को देखा जाता है। तो कल हालात जो थे नज़र आ रहे थे। अच्छा अब आता हूँ मैं जनरली जो है ना छोटी छोटी सी बातें हैं लोगों की, जैसे अभी एक साहब आपसे उलझ रहे थे कि जी हमें भी गाइड कर दिया करें, तो भाई हेस्कोल को जो है ना अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट आपको नाम बता दिया जाए तो ये तो होता है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप हेस्कोल को NRSL से रिप्लेस कर लें या बाइको से कर लें या BOP से कर लें या बैंक इस्लामी से कर लें, तो कम से कम हेस्कोल में जो आप फंसे हुए हैं ना यहाँ से आप निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक और मलिक साहब हैं हमारे मुल्तान से। कल तक तो इनके व्यूज़ बिल्कुल ही बदले हुए थे कि जी इंटरनेशनल मार्केटों में ऐसा नहीं होता, ये आज क्या हो गया, और आज बिल्कुल ही उनके चेंज हो गए। मेरे भाई ऐसे ही कुछ होता है, जल्दी जल्दी व्यूज़ नहीं बदला करते, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हालात के धारे के साथ चलना होता है, हालात को आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। एक साहब ने और आपसे एसटीपीएल के बारे में पूछा, तो एसटीपीएल के इनके कारोबार का इनको पता है। अगर इन्हें कारोबार का पता चल जाए तो ये एसटीपीएल को कभी भी नहीं बेचेंगे। एसटीपीएल पता है क्या बना रहा है? घी के टीन बनाता है, ये आपके ऑयल के डब्बे बनाता है, ये फिर उसके बाद जितना भी मोटर ऑयल वगैरह होता है जो टिन में पैक होता है वो बनाता है, आपके कोल्ड ड्रिंक के जो है ना टिन पैक बनाता है। तो इसलिए इसके अंदर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आइंदा आने वाले वक्त में जो है ना ये बहुत बेहतर होता चला जाएगा। इमरान हैदर साहब ने फ्लाइंग के राइट शेयर्स के बारे में पूछा है, तो इन्हें मैं बता देता हूँ कि उसने 110% राइट दिया। अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको 1100 यानी कि 1100 शेयर मिलेंगे, और वो 10 रुपये के हिसाब से होंगे, तो आपको 11,000 रुपये भरने होंगे जब वो आपके अकाउंट में आएंगे। अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके आने में, लेकिन राइट शेयर जब वो ले रहा है किस पर्पज़ के लिए दे रहा है, वो दे रहा है एक्सपेंशन के लिए। तो अब ये देखें कि राइट आने के बाद वो फिर काफ़ी नीचे आ जाएगा और काफ़ी अर्सा आपको रुकना पड़ेगा। या तो इसका एक सूरत हाल है कि अगर ये थोड़ा सा बेहतर होता है तो आप वहाँ पर निकल जाएं, अपने पैसे क्रय कर लें, या दूसरी सूरत ये होती है कि आप अगर फंस गए हैं तो राइट जिस वक्त आपको इशू होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। उतने माइनस होने के बाद जो है वो राइट आप जो है मार्केट में बेच सकते हैं। उसका रेट खुलेगा 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जो भी होगा उसका, वो वहाँ बेच सकते हैं और वो बेचने से पैसे इनको मिल जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने शायद उसकी पूछी है कि इन्होंने कोई इंडस वगैरह के बारे में कि अगर वो 1100 रुपये का है और उसका 20% या 200% का, तो सीधे सीधे 200 रुपये उसमें से माइनस कर दीजिए, वो 900 पे खुल जाएगा जाके। अगर मल्टीप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर चाहते हैं तो वो मैं इनको सारा समझा दूंगा, ये मुझे फ़ोन कर लें, मैं इनसे मिल चुका हूँ। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा हम ये जो मौजूदा जो कुछ भी हुआ आपके सामने सेनेट के अंदर, तो सेनेट के अंदर तो जनाब ये 7 वोट ही थे, आज 7 वोट उन्होंने खरीद लिए। पहले जिन्होंने खरीदे थे आपके वो उनके हाथों नहीं बिके, फ़र्क सिर्फ इतना सही है। असल में इसकी वजह बनी क्या कि आपको याद होगा कि हमारे एक गुलकार हुआ करते थे इखलाक अहमद, अगर आप लोगों को याद हो, तो उनका इंतकाल जो है ना इंग्लैंड में हुआ है। तो पाकिस्तान से इखलाक निकल चुका है, पाकिस्तान में इखलाक नहीं रहा, इखलाक जो है इंग्लैंड में जाके दफन हुआ। इसी वजह से जैसा आपने आज देखा जमहूरियत का हुसन, और आज जैसे ही देखा आपने मार्केट का हुसन, परसों मार्केट का क्या हाल था और आज मार्केट का हुसन क्या था, आज सब खुश हैं। तो यही होता है कि इस तरह जो है ना कभी मसला कोई बन जाए ना तो रोना पीटने से मसला हल नहीं होता, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि आप मुझे करना क्या है। कल अक्सरियत के फ़ोन मेरे पास आ रहे थे, अब हम क्या करें, हम क्या करें। मैंने कहा कुछ भी नहीं करें, आप होल्ड करें, आराम से सोएं। मैंने कहा देखो आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मार्केट तो रहेगी और तुम नहीं रहोगे। अरे भाई अपने आप को जो है ना रोग मत लगाओ। अब हमारे यहाँ जो है ना जो ख़वातीन हैं अल्लाह का शुक्र है बड़ी पढ़ी लिखी हैं, उनमें से एक PhD भी हैं, एक MPhil भी हैं, एक मास्टर MCOM भी किया हुआ है, अच्छी पढ़ी लिखी हैं। मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो कभी भी नर्वस ना हो, और बजाय इसके कि आप जाके किसी ऑफिस में नौकरियां करें, तो नौकरियों में आजकल अब तो मिलता कुछ नहीं है। फिर खासतौर पर मैं तो कराची की बता सकता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ बुरा हाल है और जो परेशानियाँ हैं, उससे बेहतर ये यहाँ कमा सकते हैं अगर ये थोड़ा सा अपने आप को डिवोट करें यहाँ पर। और उसके लिए जो है ना हम यहाँ पर मौजूद हैं, कभी भी मेरे पास किसी का भी फ़ोन आया मैंने किसी को मायूस नहीं किया, हमेशा फ़ोन पे बताता रहता हूँ ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इससे जो है ना आप अपने आप को, ये नहीं है कि आपने घर ही चलाना है, अरे आपको साइड बनी पॉकेट बनी इतनी मिलती रहेगी इसके अंदर। अच्छा एक बात का ध्यान ख्याल रखा करें कि अगर आप 10,000 रुपये या 15,000 रुपये कमा लेते हैं तो कम से कम एक हफ्ते के लिए तो आप उसको एंजॉय करें। अब आप दोबारा जो है मार्केट के अंदर घुसने के बाद पता चला 10,000 का लॉस कर लिया आपने, थोड़े से दिन के लिए थोड़ा सा हट जाया करें। अभी जो है ना ये मार्केट जो है ना अप्रैल तक, ये अभी जहन में रख लें, अप्रैल तक बेहतरी की पोजीशन में रहेगी। अप्रैल के बाद ये देख लें कि अप्रैल में इन्हें सब लोगों को अपना माल बेच देना है। ये मत सोचें कि नहीं जी अब मैं 3 महीने और होल्ड करूंगा, तो 3 महीने के अंदर और भी बहुत मौके मिलते हैं। अभी बहुत सारे भाई हो जाए जी अब कल के क्या होगा अभी बता दें, मेरे भाई इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। मार्केट का सेंटिमेंट देखना होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो प्लेयर के चला रहे थे ना इसको, टोटल 7-8 शेयर चल रहे थे, जिसमें नेटसोल था, टीआरजी था और जो एनआरएल था। आज वो कहाँ गए? इतनी बड़ी मार्केट के अंदर वो तो नहीं चले, इसलिए कि वो ओवरबॉट थे। दूसरी बात, उसमें स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हुई भी थी, इसलिए वो नहीं चले। आज हालांकि टेली कार्ड चल गया है, टीआरजी नहीं चला। टीआरजी के जो था दिसंबर में 13 रुपए पे था और आखिर में आगे उसके जीरो लग गया था, 130 पे आ गया था। तो इसलिए आप देखा करें, हाँ आप टीआरजी को गिरने दें, उसके बाद दोबारा आएगा ये। इसी तरह जो है एनआरएल है, वो तो 1500 पे जा रहा था, अब क्या हो गया उसको? तो ये जरूरी नहीं है कि 1500 पे फौरन ही चला जाएगा, थोड़ा सा वेट किया करें। और उसके बाद जो है ना, ये मार्केट का एक क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा चलता रहता है और इसी तरह ये चलना है। अब आप आ जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी जो है ना, कुछ लोगों के है कि ये टीआरजी नेटसोल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैंने कहा भाई ये अभी नहीं परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म कर चुके। अब परफॉर्म जो करेगा ऑयल सेक्टर, आज देखा आपने ऑयल सेक्टर थोड़ा सा चला, मार्केट कहाँ गई? बैंकिंग सेक्टर आज था, चल रहा था, लेकिन अब फिफिलिफी का डेटा कल जारी नहीं किया गया क्योंकि उसके अंदर बड़े मसाइल हुए थे। आज फिफिलिफी का डेटा आया है तो उससे पता चल रहा है कि बाइंग जो हुई है बैंकों में हुई है, आपकी बाइंग जो हुई है सीमेंट सेक्टर में हुई है, आपकी बाइंग जो है थोड़ी सी आयल सेक्टर में भी हुई है। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, अब जब मुख्तलिफ सेक्टर चलने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट परफॉर्म कर रही है। अब अगर मखसूस जो है चल रहे हैं आइटम, जिसमें 4-6 आइटम होते हैं, अगर वही चले जा रहे हैं तो फिर ये समझ लें कि कहाँ पर बैठ कर ये खेल हो रहा है। तो इसलिए जब मखसूस आइटम चल रहे होते हैं तो उन साइड में से दूर हो जाया करें। अब इसी टाइम पर जो है ना, ये पेनी स्टॉक्स वगैरह देख रहे हैं, नहीं चल रहे, कोसा वगैरह नहीं चल रहे, या आपके WTL या सिल्क बैंक वगैरह, ये अभी नहीं चलेंगे। अभी ये जब रैली हमारी जाहिर, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है ना, स्ट्रेटेजी सामने बैठकर बनानी पड़ती है। जब मार्केट में बैठते हैं तो सामने पता चलता है कि किस में आज लोगों का ध्यान बना है, किस में बाइंग आनी शुरू हुई है। पहले से जो है ना नहीं बताया जा सकता कि किसके अंदर बाइंग आएगी या किसमें नहीं आएगी। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है ना अब ये पूछ रहे हैं कि स्टील के अंदर जो है ना कौन सा वाला स्टील ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इसके अंदर इस वक्त जो है ना करंट पोजीशन के अंदर तो बाइंग में जो है ना सबसे आगे जा रहा है आपका आयशा स्टील, और आयशा स्टील आगे जाता हुआ भी अच्छा लग रहा है। ISL बहुत स्ट्रांग शेयर है, इसके अंदर लॉस नहीं होगा जो भी इसको लेगा। इसी तरह हमारा अमरेली के अंदर होता ही है कि दौड़ पड़ते हैं लोग ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है ना मेन किरदार जो होते हैं वो इससे हट जाते हैं। अब जैसे उन्होंने उसको मुगल को चला दिया, अब मुगल को देखिए, अब वो मुगल भी राइट इशू कर रहा है। अब राइट इशू करने के बाद डेफिनेट सी बात है फिर उसका भी काफी दिन ब्रेक लग जाएगी। तो लिहाजा ये सारी चीजें अपने जहन में रखा करें। अब जो आपका ग्रुप है ना, उस ग्रुप के अंदर जो चीजें शेयर कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी उनके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करें कि इस किस्म की जो है ना, एक साहब ने तो बाकायदा जो है ना पूरा का पूरा जनाब ऑडियो जो है ना मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड करके भेज दिया कि ये सब ट्रैप है और ये देखिएगा शाम में ये हो जाएगा और ये जना दोबारा 400-500 माइनस हो जाएगी। तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं भी यहाँ पर बैठ कर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ जिससे जो इतना पैनिक हो जाएगा कि ये सब परेशान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने लोगों को हौसला दें। आपको उनको ठीक है, अगर कोई गलती कर बैठा है तो उसको बताएं कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे अभी जो है ना मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं जी हम कहाँ पर एवरेज दोबारा करें। मैंने कहा देखो भाई, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई शेयर जो है ना आपको एवरेज ना करें, वो आपको सूट नहीं कर रहा है ना, तो अब आप दूसरा खरीदें। अब आप उसको खरीद के जो है ना आगे चलने दें। अगर आपको उसमें कहीं प्रॉफिट हो रहा था तो आपका कैपिटल गेन टैक्स कटेगा, तो यहाँ पे आप उसको जो है ना ऑफलोड कर दीजिएगा। अब अगर आप ऑफलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे अगर 20% गेन टैक्स देना पड़ता तो यहाँ लॉस में जब वो एडजस्ट होगा तो वहाँ आपको 15% देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपका वहाँ पे लॉस कवर हो जाएगा, बाकी आपने इसमें कमा लिया। तो अब आप एक शेयर के पीछे ही अगर लगे हुए और किसी ने आपको थमा दिया है तो अब आप इसको पकड़ के ना बैठे। यहाँ पर हैंड भी चेंज हो रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। अब देखें ना आयशा स्टील के अंदर जो है ना मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर ठीक ठाक जो है ना वॉल्यूम जनरेट होने लगे और ये बड़े अच्छे लेवल पे चला जाएगा आगे जाके, क्योंकि इसकी फैक्ट्री कराची में ही है और अभी उसकी ओपनिंग भी हुई है। उन्होंने तमाम नई मशीनरी लगाई है और सारी जापान से और जर्मनी से दरामद की है उन्होंने। इवनली उनके जो इंजीनियर भी आए हुए थे जापान से ही थे और जर्मनी के लोग आए हुए थे, तो अब उन्होंने बड़ा अच्छा। और ये जो बना रहे हैं ना आइटम, ये बिल्कुल ऑल इन वन वाले हैं। ये जो आइटम बना रहे हैं दूसरी फैक्ट्रियाँ वो नहीं बना रही है, ये सरिया वगैरह नहीं बना रहे हैं, ये ग्लूनाइज चादरें बना रहे हैं, स्टील चादरें बना रहे हैं, सिल्वर की चादरें बना रहे हैं, मतलब इनका काम बड़ा लेटेस्ट है। तो आगे जाके ये बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। ये मेरी अपने व्यू है, मैं किसी का मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको देखते रहें, आगे आगे सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी जो है फ्लाइंग के बारे में मैंने उनको बता दिया है सर। और कुछ सवाल अगर आपके जहन में आ रहा हो, मेरे जहन से निकल गया हो तो बता दें, मैं बता देता हूँ। तकरीबन ये जो इताद केमिकल और उसको पूछा था, इताद केमिकल भी एक अच्छा शेयर है, लेकिन जो है ना कि ये देखें कि जब केमिकल में बाइंग बनेगी ना और जब रैली चलनी शुरू होगी तो उस वक्त हाथ डालें। अभी अगर डालेंगे तो इन्हें टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब आजकल तो जो है ना डाइनो है। अच्छा, केमिकल भी जो है ना 2-3 तरह के होते हैं। एक तो केमिकल वो होता है जो सीधे सीधे जो है ना आपके लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए, पेंट, ये जो आपने टेक्सटाइल के लिए बनाए जाते हैं। एक केमिकल वो होते हैं जैसे बर्जर पेंट भी एक केमिकल ही है, ये भी केमिकल में आ रहे हैं ना। इसी तरह के कुछ वार्निश वगैरह बनाई जाती है, ये भी केमिकल होते हैं। एक होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह बनाने के केमिकल, तो वो उनके लिए होता है। तो ये जिसमें जो है ना गनी गिलास वाले हैं, गनी आपको याद होगा, गनी गैसेस के नाम से हुआ करता था। इसी तरह जो है ना मैं आपको यूनिटी के बारे में बता देता हूँ। यूनिटी वाले जो है ना सबसे पहले टेक्सटाइल में थे, टेक्सटाइल को इन्होंने वहां से वाइंड अप किया, तो ये आए बनास्पति घी में। अब बनास्पति घी के इनके ब्रांड हैं, अब वो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता। फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को डीलिस्ट करवाया यहाँ से और ये चले गए यहाँ फूड में। अब ये फूड के बहुत सारे आइटम बना रहे हैं, काफी इनके आइटम है। ये बिल्कुल जो है ना जैसे एंग्रो फूड वाले बना रहे हैं ना, ऑल पर दूध बना रहे हैं एंग्रो वाले, या इस तरह की, ये इस किस्म की चीजें भी मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो आगे जाके यूनिटी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएगा। पहले ये खाली वनस्पति में स्टक हुए थे, अब वनस्पति छोड़कर ये बहुत सारे आइटम में आ गए। जी सर, ठीक हो गया इदरीस भाई। तकरीबन मेरा ख्याल हो ही गया तकरीबन सबके सवाल। बहरहाल आगे वैसे क्या देख रहे हैं आप, मार्च अप्रैल में मार्केट बेहतरी है या डाउन पोजीशन? अब ये मार्केट थोड़ी बेहतरी की तरफ चली जाएगी और अप्रैल के अंदर जो है ना ये थोड़ा बेहतर रहेगा। और अप्रैल के बाद मेरा मशवरा सबको ये है कि अपने आप को वहाँ से अपलोड करते जाएं, जहाँ जहाँ प्रॉफिट मिल जाए वो प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद ये ना सोचें कि यार अगर मैं यहाँ रखे रखता तो शायद ये बढ़ जाता, यार रखे रखता तो घट भी तो जाता ना। लिहाजा आपका पैसा आपके पास है, वो तो नहीं घट रहा ना, आपके पास सेफ है। दूसरी बात, अभी एक साहब का मेरे पास फोन आया था, क्या यार मेरे में पेशेंस नहीं है, तो मैंने कहा मार्केट छोड़ दें भाईजान, मार्केट पेशेंस का खेल है, सबसे मुश्किल काम है। आप बहुत बेहतर समझते हैं इसको कि आपके पैसे वहाँ पड़े हुए और आप माल ना खरीदें, यह बहुत मुश्किल काम है। जब पैसा पड़ा हुआ होता है तो इंसान जानबूझकर जो है ना कभी ये खरीद लेता है, कभी ये खरीद लेता है और वो फंस जाता है। लिहाजा ऐसा नहीं करें, पैसे को रोकना सीखें। पैसा कमाना बहुत आसान है, उसको खर्च करते हुए सोचना चाहिए कि मैंने किया कहाँ खर्च इसका। मार्केट में जब भी आप थोड़े से पैसे कमाएं तो थोड़ा सा दूर जरूर हो जाए। जी सर, हाँ जी, हाँ जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर आज जिसने हमारा सेशन ज्वाइन किया, माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स थे, लेकिन वो लिस्ट निकल गई है थोड़े नेट की डिस्कनेक्टिंग की वजह से। तो सब मेंबर्स का जिन्होंने जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया और जो स्पेशल हमारा जूम सेशन देखते हैं, और एक माशाल्लाह बड़ी तादाद है जो बाकायदगी से यूट्यूब पर जो है हमारा इस सेशन को देखती है। अब जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो चले हैं ही हैं, और जो सिर्फ हमें देखते हैं उनको भी मैं वेलकम करूंगा, आप हमारे साथ ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ आप सुन सुन के आधी बातें पिक करते हैं और आधी जो हम व्हाट्सएप मैसेजेस पर जो बताते हैं वो आप उनसे महरूम रह जाते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से और भी गाइडेंस मिलेगी और फ़ायदा होगा आपको ये। बहरहाल मुझे काज़ी मोहम्मद नबील को जूम स्टॉक मार्केट के इस 66 सेशन के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीकेंड है, फैमिली के साथ एंजॉय करें, खुशबाश रहें। अब चलें, आखिरी दिन मार्केट बहुत अच्छी क्लोज हुई, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी हम मार्केट के अंदर बेहतरी देखेंगे। तो इसलिए सबका मूड भी जो है वीकेंड में अच्छा ही होना चाहिए। ये इसकी जो है कोई भी टेंशन ना लिया करें, ख़ासतौर पर जो हमारी फीमेल्स हैं दिल छोटा कर लेती हैं कि जी क्या ये हमारी बस की बात नहीं है, क्या हम इसको छोड़ दें। तो आपके बस की बात, यानी सबके बस की बात है। वो जिससे मैंने आपको एक पोस्ट भी शेयर की थी कि बस जो बंदा जो 5वीं जमात का मैथ समझ सकता है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ यह है कि आपने हौसला दिल रखना है, और ख़ास तौर पर हर वो मेम्बर जिसने अपने पैसों से स्टॉक खरीदे हुए और अच्छे स्टॉक खरीदे हुए हैं, यानी जो फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक हैं, अगर आपने वो लिए हुए हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल भी टेंशन या परेशानी की बात नहीं। अगर वक्ती तौर पर वो स्टॉक नीचे आ भी जाते हैं तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि जो ही हालात बेहतर होंगे तो वो स्टॉक जो अच्छे आपने लिए होंगे और अपने पैसों से लिए होंगे वो कभी भी जो है वो आपको लॉस नहीं देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। इस चीज़ को आप अपने पल्ले जो है बांध लें। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।